Bismillahir Rahmanir Rahim. Hi and welcome to everyone. In this video we will learn how to exploit SSH protocol in order to get access any victim machine. Let's start. Before start, we must know what is SSH. SSH, also known as secure shell or secure socket shell, is a network protocol that gives users, particularly system administrators, a secure way to access a computer over an unsecured network. SSH, उसको हम लोग secure shell भी कहते हैं, secure socket shell भी कहते हैं. Normally ये use करते हैं अगर हमने remotely किसी system को access करना हो तो उसके लिए SSH use करते हैं. और ये professionally use होता है, कोई भी जो administrator है या network को manage कर रहे हैं वो दूसरे system को access करने के लिए SSH की services use करते हैं, यानी कि SSH को protocol को use करते हैं. और ये काम कैसे करता है आप यहाँ पे देख सकते हैं. मेरे पास client है और दूसरी साइड पे सर्वर है, यानी क्लाइंट ने अगर सर्वर को एक्सेस करना है, अगर वो एसएसएच की सर्विसेज यूज़ कर रहा है, पहली तो बात ये है कि वो पोर्ट 22 यूज़ करता है एसएसएच जो है. अगर आप हेलो मैसेज भेजते हैं तो वो क्या करेगा, पहले उसको इनक्रिप्ट करेगा और फिर ओवर द नेटवर्क उसको सेंड करेगा, यानी कि नेटवर्क के ऊपर जो वो मैसेज जाएगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा. और फिर इसी तरह सर्वर एंड के ऊपर वो उसको डिक्रिप्ट करेगा तो उसके पास वही सेम जो हेलो मैसेज दोबारा डिक्रिप्ट होके आ जाएगा. तो इस तरह कम्युनिकेशन होती है, मींस के जितनी भी कम्युनिकेशन होती है ओवर द नेटवर्क वो सिक्योर होती है. तो इसलिए हम लोग SSH यूज़ करते हैं. नेक्स्ट जो है जी, हमारा ये लैब का सिनेरियो है. लैब में उसी तरह हम लोग यूज़ करेंगे, ये हमारे पास काली लिनक्स है, ये एज ए अटैकर मशीन के तौर पर यूज़ होगी. और दूसरी तरफ हमारे पास जो विक्टिम मशीन है यानी टारगेट मशीन है वो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है और ये सेम नेटवर्क के ऊपर है. इस सिनेरियो को यूज़ करेंगे और हम लोग SSH की सर्विसेज जो है, अगर उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है उसको फाइंड करते हुए हम विक्टिम मशीन को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट. मैं अपनी वर्चुअल बॉक्स के अंदर काली लिनक्स को भी स्टार्ट कर लेता हूं और इसी तरह जो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है उसको भी स्टार्ट कर लेता हूं. नेक्स्ट जी, मैंने अपनी काली मशीन ऑन कर ली है और इसका जो मैं टर्मिनल इसको ऑन कर लेता हूं, इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा कर लेने दें स्क्रीन को ताकि आप इजीली इसको देख सकें इसके ऊपर क्या काम करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं अपनी मशीन इफ़ कॉन्फिग करके लिखता हूं और देखता हूं क्या आईपी है. मेरी मशीन का आईपी है 10.0.2.5. ऐसा लिनक्स मशीन, काली लिनक्स, ये मेरी अटैकर मशीन है उसका आईपी है. जो हमारा अदर है यानी कि हम नेटवर्क को स्कैन करेंगे, देखेंगे उसके ऊपर हमारे पास विक्टिम मशीन जो है उसका आईपी क्या है. अच्छा, जो नेटवर्क है वो है 10.0.2. अच्छा, ये मेरा नेटवर्क है, आपका नेटवर्क डिफरेंट भी हो सकता है. तो उसको हम लोग स्कैन करने के लिए जो कमांड यूज़ करते हैं वो nbt स्कैन कर लेते हैं और -r लिखते हैं. इसी तरह मैं नेटवर्क देता हूँ अपना 10.0.2.0/24, मींस के कंप्लीट नेटवर्क जिसके अंदर 0 से लेकर 255 IPs हैं, पूरा नेटवर्क को स्कैन करें और अगर उसके अंदर कोई और मशीन्स है तो वो हमें स्कैन करके दे. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो मुझे दिखा रहा है मेरे पास अदर जो मशीन है वो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है, ये मेरी विक्टिम मशीन यानी कि टारगेट मशीन है जिसको हम लोग टारगेट करेंगे और उसका जो आईपी है वो 10.0.2.4 है. तो इसको हम लोग एक्सप्लॉइट करेंगे. अच्छा, एक्सप्लॉइट करने से पहले हम इसको स्कैन करेंगे इस मशीन को ताकि इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है तो वो हम लोग फाइंड कर सकें. उसका तरीका जो है वल्नरेबिलिटी फाइंड करने का या स्कैन करने का वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि उसी तरह NMAP को यूज़ करेंगे और मैं डैश लिखूँगा स्कैन करे, कैपिटल V लिखता हूँ ताकि मुझे उसके वेरिएंट्स जो हैं वो भी पता चल जाएँ. फिर मैं मशीन जो टारगेट मशीन उसका IP देता हूँ और इसको स्कैन करते हैं. उसने स्कैनिंग स्टार्ट कर दी है तो अभी ये हमें उसको स्कैन करके इस मशीन के अंदर कोई अगर जो पोर्ट्स हैं जो ओपन हैं वो हमें बताएगा कौन कौन सी पोर्ट्स अवेलेबल हैं हमारे पास. तो ये उसने स्कैनिंग कंप्लीट कर ली है. तो आप देखें कि उसने जो उसी तरह हमारे पास उसने बताया कि होस्ट अप है, पोर्ट्स जो डिफरेंट्स हैं, स्टेटस क्या है उसका ओपन है, सर्विसेज या प्रोटोकॉल कौन से रन हो रहे हैं और वेरिएंट्स कौन से हैं. तो आज का जो हम लोग लर्न करेंगे वो बेसिकली SSH को करेंगे. SSH का जो है वो पोर्ट 22 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, और ओपन है. और उसके अलावा उसका उसने बताया इसके ऊपर ओपन SSH 4.7 रन हो रहा है, ठीक है, ubuntu के ऊपर ये रन हो रहा है.
हम इसकी सर्विसेज को कोशिश करेंगे, इसको देखते हैं कि अगर इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैं उसी तरह NMAP को यूज़ करूँगा और उसके बाद इसको पोर्ट डिफाइन कर लेते हैं, पोर्ट 22 को देखते हैं और पोर्ट 22 के बाद हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट रन कर लेते हैं। और स्क्रिप्ट कौन सा है, VUL वल्नरेबिलिटी फाइंड करे और टारगेट मशीन दे आईपी दे देते हैं, 10.0.2.4 है, इसको इंटर करता हूँ तो वो बेसिकली जितनी भी इस मशीन के ऊपर अगर वल्नरेबिलिटीज़ हैं, पोर्ट 22 के ऊपर अगर वल्नरेबल है तो वो हमें वो स्कैन करके दिखाएगा और उसकी डिटेल देगा। अभी वो इसको स्कैनिंग कर रहा है तो अभी हम देखते हैं। अच्छा, उसने इसको स्कैन कर लिया। अच्छा, यहाँ पे देखें उसने क्या किया है कि इसके अंदर कोई हमें उसने वल्नरेबिलिटी शो नहीं की। अगर वल्नरेबिलिटी शो नहीं की तो हम फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ट्राई करेंगे अटैक करने की ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स मींस उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के यूज़र नेम पासवर्ड देने की ट्राई करेंगे और उस सिस्टम को जो हैक करने की थ्रू SSH करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं हमें जो यूज़ करना है इसके अंदर बिल्ट इन काली लिनक्स का मॉड्यूल है जिसको हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कहते हैं। अच्छा, वो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हम एप्लीकेशन में जाएँ, एक्सप्लॉयटेशन टूल्स के अंदर, ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है, ये बिल्ट इन टूल है, इसको यूज़ करते हुए हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे और उसका जो यूज़र नेम पासवर्ड है उसके थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, क्लिक करके ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो मैंने टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ इसके थ्रू भी कर सकते हैं। लेट्स, मुझे पहले इसको क्लियर कर लेने दें, मैं इसको क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद क्या करता हूँ, मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क है उसको ऑन करता हूँ। तो उसकी जो कमांड है MSF कंसोल है, इसको लिखता हूँ और इसको इंटर करता हूँ तो ये इसको लोड करना शुरू करेगा। आप देखें इसने वो मॉड्यूल लोड कर दिया है। अब इसके ऊपर जो हम लोग काम करेंगे वो हम जो सर्च कर लेते हैं, सबसे पहला जो स्टेप है, यहाँ तो पहले आप हेल्प लेके उसकी डिटेल देख लें क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। सेकंड स्टेप पे हम लोग जो हमने मॉड्यूल यूज़ करना है विद इन मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के, उसको सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के लिए मैं क्या करूँगा कि SSH देखता हूँ कि SSH के कौन कौन से मॉड्यूल हैं, तो मैं इसको इंटर करता हूँ तो जो डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल हैं उसने मुझे दे दिए हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिटेल में उसने SSH के मॉड्यूल्स दिए हैं, तो इसके अंदर हम लोगों ने यूज़ करना है वो ऑक्सिलरी स्कैनर यूज़ करेंगे SSH के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वो कहाँ पे है। अच्छा, जो हम लोगों ने मॉड्यूल यूज़ करना है वो बेसिकली दिस वन, ठीक है, और इस मॉड्यूल को यूज़ करना है। अच्छा, ये मेरे पास आ रहा है 21 के ऊपर। आइदर हम लोग यहाँ पे जो इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये जो मॉड्यूल है वो ऑक्सिलरी स्कैनर SSH लॉगिन का हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, इसको नीचे आता हूँ, इसको हम लोग यूज़ करने का तरीका वही है, मैं यूज़ लिखता हूँ और यूज़ लिखने के बाद फिर उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं इंटर करता हूँ तो ये मॉड्यूल को लोड कर देगा। अच्छा, इस लोड करने के बाद हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या है हमें चाहिए इस मॉड्यूल को रन करने के लिए। शो ऑप्शंस की जो कमांड है उसके थ्रू हम लोग ये देख सकते हैं कि इस मॉड्यूल को रन करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड हैं चीज़ें, क्या चीज़ें हमें सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं तो ऊपर जाते हैं तो ये करंट सेटिंग्स बता रहा है, नेम बता रहा है और रिक्वायर्ड है कि नहीं है। जो नो है उसकी तो ज़रूरत नहीं है, जो येस है वो हमें सेट करने पड़ेंगे। जैसे उसने ऑलरेडी ब्रूट फोर्स स्पीड जो है ऑलरेडी सेट की हुई है, उसकी वैल्यू उसने 5 दी हुई है और रिमोट पोर्ट जो है 22 वो भी ऑलरेडी सेट है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टॉप ऑन सक्सेस ये रिक्वायर्ड है। इसी तरह हमें फर्दर देख लेते हैं और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, रिमोट होस्ट जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। ये देखें, ये भी अभी उसने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं सेट की हुई, इसको सेट कर लेते हैं। तो हमें जो सेटिंग करनी है इसके अंदर हम लोग पहले सेट करके, रिमोट होस्ट है, रिमोट होस्ट मींस जो हमारी विक्टिम मशीन है उसका हम लोग IP यहाँ पे सेट करेंगे, वो है 10.0.2.4 और इसको सेट कर लेते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, ये वर्बोज लिखा हुआ है, ये भी उसने कहा है कि इसको भी रिक्वायर्ड है, येस है। अभी करंट वैल्यू इसकी फॉल्स आ रही है, इसको हमने ट्रू करना है। वर्बोस बेसिकली यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, क्योंकि SSH है तो इसके ऊपर जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो रही है, तो इसको हमें ट्रू करना पड़ेगा। तो मैं इसकी वैल्यू भी सेट
verbose true कर लेता हूँ, और इसके अलावा हम क्या करेंगे, हाँ उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे यूज़र नेम देने पड़ेंगे कुछ और यूज़र पासवर्ड देने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग ब्रूट फोर्स करेंगे तो उसके लिए फिर मुझे कोई ना कोई यूज़र नेम और पासवर्ड देने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ एक फ़ाइल तैयार की हुई है लॉगिन आईडीज़ की, तो ये मैंने खुद से तैयार की हुई है ताकि अपना काम जल्दी करने के लिए। अदरवाइज़ आप जो लॉगिन आईडीज़ हैं वो उसकी फ़ाइल जो है इंटरनेट के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर ह्यूज लॉगिन आईडीज़ अवेलेबल होते हैं, लेकिन क्योंकि काम फास्ट करना है इसलिए मैंने 7-8 ही लिखे हुए हैं ताकि हम इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे लॉगिन आईडी रूट हो सकता है, एडमिन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, और एमएसएफ एडमिन भी है, ठीक है। इसको फ़ाइल को करके मैं इसको सेव किया हुआ है और ये मैंने यहाँ पे रखी हुई है फ़ाइल। इसी तरह मैंने एक और फ़ाइल बनाई है पासवर्ड्स की, और पासवर्ड्स के अंदर भी मैंने डिफरेंट किस्म के पासवर्ड दिए हैं, और पासवर्ड की फ़ाइल भी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर ह्यूज लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स होती है। उसके अलावा बिल्ट इन लिनक्स के अंदर, काली लिनक्स के अंदर टूल भी है जिसके थ्रू हम पासवर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं और उसकी लिस्ट बना सकते हैं, और इवन काली लिनक्स के अंदर भी पूरी पासवर्ड्स की लिस्ट भी अवेलेबल है, उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने काम फास्ट करना है इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मैंने लिमिटेड से कुछ पासवर्ड लगाए हुए हैं और इसको हम लोग यूज़ करेंगे फॉर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। इसकी फ़ाइल को भी सेव कर लेता हूँ, तो फ़ाइल का नाम एक तो लॉगिन्स के लिए लॉगिन आईडीज़ है और इसका नाम पासवर्ड्स है, इन दोनों को भी सेट करना पड़ेगा ताकि जब ब्रूट फोर्स करें तो वो इन लॉगिन्स को इन यहाँ से वो लॉगिन्स उठाएं और यहीं से पासवर्ड उठा के बारी बारी वो चेक करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यूज़र जो फाइल है वो हम दे देते हैं, वो क्या है, तो हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यूज़र फाइल जो है इसके आगे कोई चीज़ सेट नहीं हुई, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं यूज़र अंडरस्कोर फाइल और उसका पाथ दे देते हैं। ये बेसिकली मेरे रूट से क्योंकि एक्सेस है तो रूट के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर पड़ी हुई है फ़ाइल, और इसका नाम लॉगिन आईडीज़ रखा हुआ है, तो कोई भी फ़ाइल का नाम रखा जा सकता है। ये तो एक टेम्प्रेरी फ़ाइल बनाई है मैंने इसको टेस्ट करके आपको यहाँ पर चेक करवाने के लिए, इसको सेट कर लेते हैं। और इसी तरह मुझे यूज़र पास ये फ़ाइल देख सकते हैं पास फाइल की, और इसको हम लोगों ने सेट करना है, यहाँ पे अभी कोई नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग इसी तरह सेट पास अंडरस्कोर फाइल कर लेते हैं, और इसको भी पाथ देना पड़ेगा कहाँ से वो फ़ाइल को रीड कर रहे हैं उसके पासवर्ड्स, तो वो रूट के अंदर पड़े हुए हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर और इसके अंदर पासवर्ड्स की जो फाइल पड़ी हुई ये है, इसका पास सेट कर लेते हैं। ये चार चीज़ें सेट हो गई, और पांचवी जो चीज़ सेट करनी है हमने यहाँ पे इसका सक्सेस, जैसे ही वो स्टॉप सक्सेस है यहाँ पे देखिए स्टॉप सक्सेस जो है इसकी जो वैल्यू सेट हुई है वो फॉल्स है, इसको भी ट्रू कर लेना है। इसका मतलब है जैसे ही वो सक्सेस हो जाए तो वहीं पर वो ब्रूट फोर्स की अटैक जो है वो स्टॉप कर दे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिमिलर वे सेट कर लेंगे, स्टॉप अंडर ऑन अंडर सक्सेस CUCCESS एंड इसकी वैल्यू भी ट्रू कर लेते हैं, और अभी मैं इसको इंटर करता हूँ। और अब अगर हम शो ऑप्शंस करते हैं और देखते हैं तो ये देखिए उसने यूज़र फाइल भी मेरी सेट कर दी है, वर्बोस भी ट्रू कर दिया है, सक्सेस स्टॉप सक्सेस भी ट्रू कर दिया हुआ है, और इसी तरह उसने आर होस्ट भी सेट कर दिया हो, यानी कि रिमोट होस्ट जो मेरी विक्टिम मशीन टारगेट मशीन उसका भी, और पासवर्ड्स का भी फाइल सेट कर दी हुई है हम लोगों ने। तो ये पांच छह चीज़ें हमें रन सेट करनी है। सेट करने के बाद क्या करना है मुझे, सिंपल इसको रन करना है, तो मैं यहाँ पे रन करूँगा, इसका मतलब होगा ये मॉड्यूल अब ये चीज़ें उठा के इसको अटैक करेगा, ब्रूट फोर्स अटैक करेगा यूज़र नेम पासवर्ड्स। सो लेट्स सी, देखते हैं वो क्या करता है। ये मॉड्यूल उसने स्टार्ट कर दिया हुआ है और ये अब उसने ट्राई करनी शुरू कर दी है। पहले वो रूट को देख रहा है, देखिए अब रूट दे रहा है, उसके बाद पासवर्ड दे रहा है, फिर रूट, यानी पहले वो एक लॉगिन दे के उसके सारे डिफरेंट जो पासवर्ड्स दिए हुए हैं वो उनको सबको ट्राई करेगा, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि जितनी बड़ी फ़ाइल होगी उतना ही वो टाइम लेता है, इसलिए मैंने स्मॉल फाइल बनाई थी ताकि मैं आपको इसका डेमो करके दिखा सकूँ ये किस तरह काम करता है। जैसे रूट का लॉगिन ख़त्म हुआ उसने नेक्स्ट लॉगिन उठाया और उसके अंदर पासवर्ड देने शुरू कर दिए,
और अभी वो फेल्ड स्टेटस पे आ रहा है, अभी उसने नेक्स्ट शुरू कर दिया है, अभी हम देखते हैं कि वो इसको एक्सेस करता है कि नहीं करता। सी यहाँ पे उसने सक्सेस रेट आया है, सक्सेस रेट आने के बाद उसने इसको स्टॉप कर दिया है, मीन्स उसका जो लॉगिन है वो MSF एडमिन है और पासवर्ड भी MSF एडमिन है, ये उसने किया है। सो नेक्स्ट क्या हम लोग करते हैं कि इसका सेशन क्रिएट कर लेते हैं, और सेशन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल SESSION सेशन लिखूँगा और -i एंड देन 1 लिख लेता हूँ और एंटर करता हूँ। सो यस, अच्छा ये कमांड सेशन नहीं ले रहा, मैं इसको दोबारा से सेशन करता हूँ और एल करता हूँ और इंटर करते हैं, तो मुझे यहाँ पे सेशंस लिखना है, सेशंस -i देन 1 लिखता हूँ और इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखें उसने प्रोटेक्शन शुरू कर दिया, यानी हमने सक्सेसफुली उसका सेशन क्रिएट कर लिया है, मीन्स कि हम लोगों ने उस सिस्टम को उसकी एक्सेस ले ली है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट लिनक्स की कमांड यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यूनेम की कमांड है तो वो हमें बता रहा है कि ये इसका सर्वर है और इसकी 2.6.24 इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है, और फर्दर हम लोग अगर कोई कमांड देखना चाहते हैं तो मैं यूनेम माइनस ए करता हूं तो वो हमें उसका सर्वर का नेम बता देगा, लाइक से आप देख सकते हैं मेटास्प्लॉइटेबल है, हु MI करके देखता हूं कि मेरे पास क्या एक्सेस है, अच्छा MSF एडमिन की एक्सेस है मेरे पास, और किस डायरेक्टरी में हूं PWD कर लेता हूं, और करंट होम डायरेक्टरी जो मेरे पास आ रही है वो उसकी ये आ रही है, मैं ls कमांड देता हूं तो उसके अंदर अगर कोई फाइल्स पड़ी हुई हैं वो दिखा देगा, जैसे अभी एक सिंपल वल्नरेबल की उसकी डायरेक्टरी बनी हुई है, ये उसने मुझे शो कर दिया। सो दिस इज़ द वे वी कैन एक्सेस कर सकते हैं जो अपनी टारगेट मशीन है, SSH को यूज़ करते हुए ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे और उसके अंदर डिफरेंट यूज़र नेम पासवर्ड ट्राई करेंगे, वंस दे सक्सेस तो फिर हम लोग उसको, अगर सक्सेस हो जाएगा वो हमें शो कर देगा, जैसे यहाँ पे उसने शो कर दिया था कि ग्रीन यहाँ पे आ गया था तो इसका मतलब सक्सेस आ गया था, तो ये उसने यूज़र नेम और पासवर्ड हमें दे दिया था। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेशन क्रिएट कर लेते हैं, सेशन क्रिएट करने के बाद वो हम लोग के पास एक्सेस आ जाती है एंड देन सक्सेसफुली हम लोगों ने उसको एक्सप्लॉइट कर लिया, यानी कि उस मशीन को हैक कर लिया। आई होप यू लर्न हाउ वी कैन सक्सेसफुली एनी सर्विसेज रनिंग SSH ऑन पोर्ट 22 टू एनी टारगेट मशीन विद द ब्रूट फोर्स अटैक। If you like this video, kindly share it with your friends and please subscribe this channel. Thank you.